टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ संतोष इंसा जी हैं, जो भी 21 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। संतोष जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 21 सालों से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा में। हाँ जी। कितना विश्वास करती हैं संत जी के ऊपर आप? पूरा विश्वास है, आपसे ज़्यादा। क्यों विश्वास करती हैं आप? हर एक जगह पिताजी की रहमत है हमारे। आपकी ज़िंदगी में बदलाव क्या आया जब से आप गुरु जी से जुड़े हुए? बदलाव जो कुछ पहले नहीं था हमारे घर, वो आप सब कुछ है। आप आश्रम में इतने समय से आ रहे हो, आपने देखा कैसा माहौल है? मतलब लड़कियों की सुरक्षा है आश्रम में? जी हाँ। कभी भी अलग तरीके का माहौल महसूस किया? नहीं जी। जो मीडिया में टीवी में दिखाया जा रहा था 4 साल पहले, वो सब गलत है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के, वो सब गलत है। सच क्या है फिर एक्चुअली में गुरु जी? सच जो सच है वो तो सामने आने वाला जल्दी। क्या जरूरत है मैम संत जी की समाज को? संत जी की जरूरत है? हाँ जी। उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किए हैं? सब उपकार के ही काम किए हैं, अच्छे काम किए सब। क्या जो सरकार नहीं कर सकती वो पिताजी कर रहे हैं। क्या मांग करोगे सरकार से? पिताजी जल्दी रिहा कर दें, इन्हों का कोई दोष नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार यही की मांग की जा रही है, लगातार यही कहा जा रहा है कि संत जी समाज में आने चाहिए। झूठे आरोपों में उनको समाज से दूर किया गया है, लगातार ये लोग बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइप। बहुत बहुत धन्यवाद।